नमस्कार, मारो राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। और देखिए, शुरुआत करते हैं मारो राजस्थान में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है। दरअसल आज संसद के बजट सत्र का पहला दिन होगा और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मीडिया से बात करेंगे। 11 बजे राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार की इस दौरान उपलब्धियां रखेंगी सामने। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगी और ये अंतिम बजट पेश करा जाएगा चूंकि ये चुनावी साल है और आखिरी दूसरे कार्यकाल का बजट मोदी सरकार का रहने वाला है, लिहाजा लोक भवन रहने की पूरी उम्मीद है। और आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। कुछ ही देर में खबर ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से बात करेंगे। सर्वदलीय बैठक में उम्मीद जताई गई थी कि ये जो बजट सत्र है ये शांतिपूर्ण रहेगा। 11 बजे राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन को यानी कि दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। तो संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। नए संसद में राष्ट्रपति पहली बार दोनों सदनों को यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित करेगी, जिसमें वो सरकार की उपलब्धियां बताएगी। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। इस साल आम चुनाव होने हैं और इसीलिए इस बार यह अंतिम बजट होगा। इस बार सरकार जो बजट पेश करेगी वो सिर्फ नई सरकार के आने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए होगा। आम चुनाव के बाद चुनी गई नई सरकार की ओर से जुलाई में वित्त वर्षीय 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सदन में अंतरिम बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नागरिकों को बजट में राहत मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। 9 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र पूरी तरह से हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहा है। और देखिए, बजट से पहले एक खुशखबरी भी आ गई है। वित्त मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024-25 वित्त वर्ष में भी जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा रह सकती है। ऐसा हुआ तो यह लगातार चौथा साल होगा जब जीडीपी विकास दर 7% से ज्यादा रहेगी। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बजट से ठीक पहले देश के लिए अच्छी खबर आई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी इसका अनुमान लगाया गया है और इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, वो अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी मानी जा रही है। समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में 7% की रफ्तार से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। 3 साल में ही देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी। भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। इस समीक्षा रिपोर्ट में फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दावा किया गया है कि चालू वित्त वर्ष और आने वाले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 7% की रफ्तार से बढ़ेगी, यानी कि तेज विकास की रफ्तार जारी रहेगी। तो वही कहा गया है कि साल 2030 तक भारत $7 ट्रिलियन जीडीपी वाला देश बन सकता है। मंत्रालय को उम्मीद है कि लगातार सुधारों से 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था $7 लाख करोड़ की हो सकती है। भारत अगले 3 साल में $5 लाख करोड़ के साथ तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बन जाएगा। अभी की ग्रोथ बहुत अच्छी होने की संभावना है। देखिए, क्लियरली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 3 साल में बन जाएंगे। थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी बनने की संभावना है। उसके अलावा $7 ट्रिलियन इकॉनमी 2030 तक बनने की संभावना है। ये जो आर्थिक सुधार हुए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, उसकी वजह से इकॉनमी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 10 साल में किस तरह देश में तेजी से विकास हुआ है। 10 साल पहले भारत मौजूदा बाजार कीमतों पर $1.9 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। वही आज ये $3.7 ट्रिलियन जीडीपी के साथ 5वें पायदान पर पहुंच चुका है।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, अगर उन्हें जारी रखा गया तो 2047 तक देश को विकसित देश बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि अगर वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमान सही साबित होता है तो कोरोना के बाद ये लगातार चौथा साल होगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% से ऊपर रहेगी। इसका मतलब हम चीन की अर्थव्यवस्था के और नजदीक पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि जो रिफॉर्म्स पिछले 10 सालों में किए गए हैं, जो कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई हैं, उन सब का नतीजा हमको आज देखने को मिल रहा है। इस बीच अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार आम चुनाव से पहले बजट में नए कल्याणकारी कार्यक्रमों पर बड़े खर्च के बजाय अर्थव्यवस्था को तेज बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर दे सकती है ताकि समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके। माना जा रहा है कि रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार बुनियादी ढांचे पर भी भारी खर्च जारी रखेगी। ऐसे में अब सबकी नजरें टिक गई हैं आने वाले बजट पर और बजट से पहले वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ने मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बजट से जुड़